हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस आई वाज यू नो अवे फ्रॉम यू। नाउ आई एम एट माय नेटिव। और एक संस्कृत में एक श्लोक भी है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब जानते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। ये नेपाल का नेशनल मोटो भी है। जस्ट 25 किलोमीटर अवे यहाँ से नेपाल है। नेपाल की बॉर्डर शुरू हो जाती है 20-25 किलोमीटर। इन्हीं के बगल में मैं भी हूँ, मेरा भी गांव है। गांव के पास से आपके पास आना चाह रहे हैं। ओके, आप सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। कोरोना आपके पढ़ाई में इफेक्ट नहीं डाल पा रहा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। ओके, चलिए। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, राइट? सो मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला पे आ जाए बच्चे। मॉलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, इसका डिस्कशन कह रहा है। तो आप ये बताइए, हम लोगों का ये डिस्कशन था कि एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स है या सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है। और यही एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला अगर एन टाइम्स रिपीट होगा तो मॉलिकुलर फार्मूला बन जाएंगे। जो रिपीटेशन इनका मॉलिकुलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में बदलेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला आएगी। इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला कुछ एन मल्टीपल हैं, एम्पिरिकल फार्मूला का एन मल्टीपल वो मॉलिकुलर फार्मूला होगी। ओके, हम लोगों ने यह भी देखा था कि एम्पिरिकल फार्मूला पहले पता कर लो, पहले एम्पिरिकल फार्मूला तभी मॉलिकुलर फार्मूला आएगी। बट कैसे? तो एम्पिरिकल फार्मूला पता करके हम लोग कहेंगे एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फार्मूला में जो भी नंबर ऑफ एटम है इनका एटमिक मास को जोड़ दिया जाए तो एम्पिरिकल मास आएंगे। इनको एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर एम्पिरिकल फार्मूला एन टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो एम्पिरिकल मास भी एन टाइम्स रिपीट होंगे और ये बनाएगा मॉलिक्यूलर मास। सो कैन यू फाइंड आउट नंबर ऑफ टाइम्स जो एम्पिरिकल फार्मूला रिपीट कर रहे हैं? सो ये आ जाएंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। आप ये बताइए बच्चे, मॉलिक्यूलर मास कैसे आएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया जाता है। आप बेसिकली क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखे हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उन सभी नंबर ऑफ एटम्स का एटमिक मास जोड़ करके मॉलिक्यूलर मास लाते हैं, फार्मूला दिया रहे। तब यहां फार्मूला लाने के लिए, फार्मूला अगर आपको पता करना है तो उससे पहले हम लोग पता करते हैं कि उनके फॉर्मूला लाने से पहले मॉलिकुलर मास कैसे। तो हम लोग ये जानते हैं कि वेपर डेंसिटी, इसी में पढ़ाया हम लोगों ने वेपर डेंसिटी, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कोई भी किसी भी केमिकल का वेपर जितना भारी होगा एट गिवन प्रेशर टेम्परेचर एंड गिवन वॉल्यूम। सो वेपर डेंसिटी को 2 times अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये मॉलिकुलर मास आते हैं, याद है आपको? अब मॉलिकुलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएंगे, एन। और वही एम्पिरिकल फॉर्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेट विल गिव यू मॉलिकुलर फॉर्मूला। ओके, सो पहले हम लोग करेंगे क्या, सो बताइए क्या किया जाए, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया जाए। एकदम एम्पिरिकल फॉर्मूला आएंगे कोई भी केमिकल
जैसे यहाँ पे ग्रीनरी है आसपास में, हम चाहते हैं लीफ में जो क्लोरोफिल है कि इनमें कौन कौन क्या इसके एम्पिरिकल फार्मूला होंगे, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, कैसे इसका कंपोजिशन का स्टडी किया जाए। तो इनके लिए सबसे पहले पहचानना होगा इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, और एलिमेंट कौन कौन से हैं तो उन एलिमेंट के मोल कितने कितने हैं, और उस एलिमेंट के मोल का सिंपलेस्ट रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला चलाएगा। फिर इनका वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने होंगे, इनको वेपर में बदल करके देखना होगा हाइड्रोजन से कितना भारी है, तो वेपर डेंसिटी आ जाएंगे, तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगी, और मॉलिक्यूलर मास से एन आ जाएगा एम्पिरिकल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास विल गिव यू नंबर ऑफ रिपीटेशन, और इसी नंबर ऑफ रिपीटेशन एन को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देगी। ओके बच्चे, सो अब अगर हम लोग ऐसा कह दें कि एम्पिरिकल फार्मूला लाने के लिए बेसिकली क्या क्या स्टेप है, तो पहले किसी भी केमिकल का अगर एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला लाने से पहले एम्पिरिकल फार्मूला लाना होगा, सब पहले एम्पिरिकल फार्मूला लाने के लिए स्टेप फॉर फाइंडिंग एम्पिरिकल फार्मूला, स्टेप फॉर फाइंडिंग एम्पिरिकल फार्मूला ई एफ फर्स्ट इज व्हाट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन करने होंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई एलिमेंट, व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट आर देयर इन दैट केमिकल, ये पता करना होगा उस केमिकल में कौन कौन सा एलिमेंट है, राइट अगर एलिमेंट का पता चल जाए तो ये पता करना होगा कि उस केमिकल में उनका मास परसेंटेज कितना 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 अमाउंट है। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन अ केमिकल, केमिकल में एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन कर लेना। सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना। ओके बच्चे, एंड थर्ड स्टेप इज व्हाट, मास का सिंपल रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं देगा, आपको ये पता है एम्पिरिकल फार्मूला मास नहीं बताता, ये तो नंबर बताएगा या मोल बताएगा, तो इस मास को मोल में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज मास परसेंटेज इनटू मोल, कैसे बच्चे, डिवाइडिंग इट बाय एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का जितना परसेंटेज हो उसको उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया जाए, इट विल गिव यू मोल, और इसी मोल का सिंपलेस्ट रेशियो, टेक सिंपलेस्ट रेशियो, कैसे सिंपलेस्ट रेशियो लिया जाए बच्चे, जो सबसे कम वाला है, जैसे मोल मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, मास परसेंटेज को अगर एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू सबसे कम है उससे सबको डिवाइड कर देंगे, जो जो एलिमेंट का अभी एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, और उनका सबसे कम वैल्यू को सबसे डिवाइड कर दें तो सिंपलेस्ट रेशियो देगा, या नहीं तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो यह एम्पिरिकल फॉर्मूला देगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट रेशियो आप स्टेप थ्री, कैसे, डिवाइडिंग बाय स्मॉलेस्ट नंबर, डिवाइडिंग बाय स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे कम स्मॉलेस्ट जो रिजल्ट थ्री में आए हैं उससे सबको डिवाइड कर दीजिए, इट विल गिव यू द सिंपलेस्ट रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो सभी का कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके बच्चे, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा तो उसे एम्पिरिकल मास कैलकुलेट कर लिया जाए, और एम्पिरिकल मास को एम्पिरिकल मास से मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दिया जाए, इट विल गिव यू एन, और एन को मल्टीप्लाई कर दें
एम्पिरिकल फार्मूला से, तो ये आ जाएगा क्या बच्ची, मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझे बात को, तो आगे बढ़ा जाए, इसको नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे फिर बढ़ दें। सो पहला स्टेप आ गया एम्पिरिकल फार्मूला के कैलकुलेशन में, व्हाट, पहले एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन करना, राइट। सो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आ जाए हम लोग लिपिक मेथड, लिपिक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु कैलकुलेटेड, हु कैलकुलेटेड द मेथड फॉर फाइंडिंग फॉर आइडेंटिफाइंग कार्बन। ओके, सो कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कार्बन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे, व्हाट आर द मेथड्स, से आपने कहा कि किसी चीज को जलाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। सपोज इफ यू आर बर्निंग दिस ओड बैम्बूज एंड डिफरेंट थिंग्स, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग डेफिनेटली सर्टेनली इन दैट केमिकल्स इन दैट मैटर कार्बन इज प्रेजेंट। ओके, सो कार्बन का आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या हो गया, किसको जलाना है, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब हम लोग कह रहे हैं कि जलाने में नाइट्रोजन भी मौजूद है, इसलिए इसके लिए केमिकल को और साइंटिफिक मेथड में उस केमिकल को ऑक्सीजन सप्लायर दीजिए, केमिकल प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड हीट किया जाए, क्यूप्रस ऑक्साइड विल गिव ऑक्सीजन टू दिस कार्बन और ये बना देगा बच्चे क्या, बोलिए, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये आपको समझ में आया क्या कह रहे हैं, कोई भी चीज लिया जाए, ये धरती पे पाए जाने वाले, यू हैव टू टेक एनीथिंग और उसको मिक्स कर देना है, किससे, क्यूप्रस ऑक्साइड से। अगर इनके अंदर कार्बन है तो हीट करेंगे, पता है ये ऑक्साइड ऑफ कॉपर इज हाईली अनस्टेबल, ये ऑक्सीजन को छोड़ेगा अंदर अंदर और वो ऑक्सीजन कार्बन से कंबाइन करेगा और ये बनाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। या समझे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, राइट। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन होता तो क्या बनते, केमिकल के अंदर हाइड्रोजन होता तो क्या बनते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला केमिकल, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला केमिकल क्या बनते बच्चे, H2O। ओके, सो अब ये बताइए केमिकल का माना कि सपोज मास ऑफ केमिकल टेकन, कोई भी केमिकल का मास लिया गया टेकन m, 2 ग्राम 4 ग्राम m मान लेते हैं, m ग्राम, आपने उस केमिकल का m ग्राम वजन लिया। ओके, अब इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड डालने के बाद क्या बने बच्चे, कार्बन डाई ऑक्साइड। सो कार्बन डाई ऑक्साइड का क्वांटिटी मान लेते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड को आप नाप सकते हैं, उसको लाइम वाटर में पास करवाइए और देखिए कितना वजन बढ़ रहा है, लाइम वाटर का जितना वजन बढ़ रहा है, क्योंकि लाइम वाटर कैल्शियम ऑक्साइड विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जितना वजन बढ़ रहा है कहेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड आए। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड का वजन मान लेते हैं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, इसको मान लिया जाए M1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मान लेते हैं। सो अब ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है बच्चे, कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 32 है, टोटल कितना आ गया 44। सो आउट ऑफ 44, हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, आउट ऑफ 44 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम इफ यू आर टेकिंग 44 इसी के हिसाब से। जब हमें पता है 44 में 12 ग्राम होती है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना भी क्वांटिटी ले लिया जाए, कार्बन का क्वांटिटी आ जाएगा। ओके,
सर एक ग्राम में कितने आएंगे 12/44 सो इफ आर टेकिंग M1 ग्राम सो व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ कार्बन इन दैट M1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू M1 सो हम लोग ये कह दें कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना भी क्वांटिटी लें तो मास ऑफ कार्बन हमेशा कितने आ जाएंगे बच्चे इट विल बी 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइट जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है 12/44 से तो क्या आ जाएगा उस कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद कार्बन वो कहां से आया किसी चीज को जलाने से आया ओके अब आगे बढ़ा जाए आगे इसको नोट कर लीजिए फिर बढ़ते हैं हम लोग चलिए फिर आगे बढ़ा जाए आपको मैं कह दूं आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन हियर फ्लड सिचुएशन इज प्रेजेंट एकदम फ्लड है चारों तरफ बाढ़ है ऊपर रूप पे आपसे कांटेक्ट में हूं हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है चारों तरफ आपको अगर दिखाऊं थोड़ा सा वीडियो दिखाओ बच्चों को इन इस डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन आई वांट टू सी यू सब पता चलेगा क्यों आपके साथ हम चिट्ठी पे अवेलेबल नहीं थे ये पता चलेगा दिस इज द रियलिटी वेदर इज वेरी वर्स वर्स्ट सिचुएशन है इधर देखो पानी देखिए इधर पानी वगैरह पानी जरा रही है नीचे वाटर ही वाटर है फ्लडेड सिचुएशन और काफ़ी बारिश हो रही है हर तरफ से चारों तरफ और आपको नेचुरल हम गिफ्ट भी दिखा रहे हैं इधर से इधर दिखो इधर ये नेचुरल गिफ्ट हैं दिस साइड दिस इज द नेचुरल गिफ्ट नीचे पानी है ऊपर हरियाली है जल जीवन हरियाली ओके सो चलिए फिर आपसे हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई हम लोगों का रुकेगा नहीं बच्चे हम लोग पढ़ते रहेंगे क्या बात हुई कार्बन डाइऑक्साइड का अगर क्वांटिटी दिया जाए तो उसके अंदर कार्बन का वजन कितने आ गए सो मास ऑफ कार्बन अवेलेबल हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/44 कार्बन डाइऑक्साइड का 44 में कार्बन 12 है 12/44 फ्रैक्शन पार्ट तो इसको मल्टीफ्रैक्शनल पार्ट है इनटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओके सो व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दैट केमिकल परसेंटेज मास परसेंटेज के बारे में करें परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू 12/44 इनटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितना कार्बन डाइऑक्साइड उस केमिकल को जलाने से आया डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड कंपाउंड का मास को डिवाइड कर दीजिए और इस कंपाउंड के अंदर इतने कार्बन थे 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 100 कर दें ये कार्बन का परसेंटेज इससे आ जाएगा बच्चे ओके हम आपको कह दें कि अगर परसेंटेज निकालें तो बेहतर है अगर परसेंटेज नहीं निकालते सबके बारे में हमें पता है कि इसका क्वांटिटी ये है उसका मास इतना है इसका मास इतना है टोटल मास से सबका इंडिविजुअल मास पता है तो डायरेक्ट उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल कैलकुलेट कर लें और मोल का सिंपल रेशियो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा ओके सो आगे बढ़ जाए सो व्हाट विल बी अगर हम लोग पता है कि केमिकल को बर्न करें इफ यू आर बर्निंग केमिकल विद क्यूपरस ऑक्साइड इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट देन इट विल गिव व्हाट H2O राइट सो व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दैट केमिकल हम लोग लिबिक मेथड इसको कहते हैं क्यूपरस ऑक्साइड वाला मेथड लिबिक मेथड है आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ में हीट एग्जाम में अगर दे सिल्वर ऑक्साइड तो उनके साथ में यही फिनोमेना होगी क्योंकि सिल्वर के ऑक्साइड भी लेस स्टेबल होते हैं बच्चे आप बताइए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएंगे तो हाइड्रोजन का कितना फ्रैक्शनल पार्ट है 2/18 राइट इनटू मास ऑफ वाटर वाटर का जितना मास है उस केमिकल में रख देना है ब्लू बिट्रा कॉपर और सल्फेट
उसका देखना है कितना उसका वजन बनता है ब्लू विटियोल बनाने के लिए। कॉपर सल्फेट को रख दें उस केमिकल में, अगर वाटर है तो वाटर उसमें जाएगी और बन जाएगा क्या ब्लू विट्रियोल। तो वाटर ब्लू विट्रियोल का वजन पता कर लीजिए, कॉपर सल्फेट का वजन पता कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस वाटर देगा, समझे। कहना क्या चाह रहे हैं सो बताइए। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस इसमें जैसे पानी आएगा तो बनाएगा ये ब्लू विट्रियोल, ये ब्लू विट्रियोल है। तो अब ये बताइए कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास हम लोग इतना कहते हैं, हाइड्रोजन के मास आ गए, हाइड्रोजन का फ्रैक्शनल पार्ट इन वाटर 2/18 है, 2/18 को मल्टीप्लाई कर दें मास ऑफ वाटर ऑब्टेन, इट विल गिव यू मास ऑफ हाइड्रोजन कमिंग फ्रॉम दैट केमिकल। अब बताइए परसेंटेज कितने आ जाएंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बच्चे, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 2/18 into mass of water divided by mass of that chemical compound, mass of chemical or compound into 100, it will give you percentage of hydrogen. So अब shortcut में जल्दी से आ जाएं, दोनों का percentage आ गया कार्बन के भी और हाइड्रोजन का भी, जल्दी से नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब identify करते हैं हाइड्रोजन की, हैलोजन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैलोजन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैलोजन, तो हैलोजन में क्या क्या है बच्चे आपको पता है, हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स से, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे, हमें आइडेंटिफाई फिलहाल करने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है आइडेंटिफाई करने के लिए कि केमिकल ले लें, कोई केमिकल लिया जाए जिसमें हैलोजन अगर है, इसके साथ सोडियम मिला दें, सोडियम एलिमेंट, इसको फ्यूज कर दीजिए, गर्म करें, गर्म फ्यूज करें, इनके अंदर अगर एक्स है तो ये बनाएंगे सोडियम एक्स, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ओके। इसके बाद इसमें आफ्टर फ्यूजिंग विद सोडियम एलिमेंट यू हैव टू डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व कर लेना है इसको, फिर फिल्टर करना है, फिल्ट्रेट ले लेना है बच्चे, और फिल्ट्रेट में मिला देना है सिल्वर नाइट्रेट। अगर व्हाइट पीपीटी आएगी तो क्लोरीन होंगे, ये व्हाइट सॉलिड बनाया, अगर हल्का येलो आया तो सिल्वर ब्रोमाइड आएंगे, अगर पीला आया सिल्वर आयोडाइड होंगे, ये दिस इज येलो इन कलर, दिस इज पेल येलो, और वो व्हाइट है सिल्वर क्लोराइड, ओके। सो आप ये बताइए क्लोरीन की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, सो बताइए बच्चे। तो क्लोरीन का इस फॉर्मूला से फ्रैक्शनल पार्ट पता है 35.5 आउट ऑफ टोटल 108 प्लस 35.5, सो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, 35.5 डिवाइडेड बाय टोटल 108 प्लस 35.5, दैट विल गिव यू 143.5 इनटू मास ऑफ AgCl ऑब्टेंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टेकन फॉर द ऑब्जर्वेशन इन 200, दिस इज परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। सो हाउ यू विल फाइंड परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन दैट केमिकल,
परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन विल बी इक्वल टू ब्रोमीन 80 डिवाइडेड बाय 108 प्लस 80 तो 188 इनटू मास ऑफ AZBr डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टेकन इनटू 100 ओके। इससे क्या आ जाएगा बच्चे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। सो यू कैन फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लाइक दिस। दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग परसेंटेज। आगे बढ़ा जाए तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे आ जाएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन बच्चे। इस मेथड का आगे नाम देंगे क्लास थल में। ये लेसेग्ने मेथड है अब नाइट्रोजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए कजल डाल मेथड है। कजल डाल मेथड इसमें कॉन्क H2SO4 केमिकल में कॉन्क H2SO4 मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिलाते हैं उसमें अमोनिया इवॉल्व होगी और वो अमोनिया कैप्चर कर लेंगी अमोनिया की महक आएगी। अब इस अमोनिया में अगर अमोनिया का पता है अमोनिया में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन उस केमिकल में रहा होगा तभी तो अमोनिया बन रहा है कि नहीं बच्चे। सो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दैट केमिकल। नाइट्रोजन 14 है आउट ऑफ 17 14/17 इनटू मास ऑफ अमोनिया ये नाइट्रोजन का वजन दे देंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से so it will give percentage of nitrogen. so we have calculated percentage of nitrogen carbon hydrogen chlorine fluorine bromine सबके percentage calculation हो गए। इसके बाद क्या करना है बच्चे आपको atomic mass डिवाइड करके मोल में लाने हैं और मोल का simplest ratio क्या कहलाएगा empirical formula। तो इसको नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर लें। न्यूमेरिकल है कि हाइड्रोकार्बन है आप जानते हो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ दो केमिकल का बना हुआ कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ केमिकल है। इसको जला रहे हैं तो 3.08 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं एंड 0.72 ग्राम वाटर बन रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट एम्पिरिकल फॉर्मूला डू इट फास्ट जल्दी से पता कीजिए पॉज बटन दबाइएगा पता कर लीजिएगा उसके बाद फिर मिलाइएगा। आगे बढ़ा जाए चलिए यहां पे हमें पता है कि दो केमिकल हैं दो एलिमेंट हैं उस हाइड्रोकार्बन में है ना। अगर ये पता रहता कि टोटल केमिकल का मास दिया रहता बच्चे तो सबका परसेंटेज पता करते एक कानून रहता तो 100 में से टोटल परसेंटेज घटा देते अनोन का परसेंटेज आता जहां पर जिसका जरूरत है उसके हिसाब से चलिएगा। यहां पे परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेट कर भी लेंगे तो वो भी ठीक है लेकिन उसमें टाइम लगेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट मोल ऑफ कार्बन। मोल ऑफ कार्बन के लिए मास ऑफ कार्बन कितना होगा बच्चे 12 को हम लोग 12 को डिवाइड कर दें 44 से इंटू 3.08 ओके। दिस इज मास ऑफ कार्बन है ना डिवाइडेड बाय 12। यहां डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन का मोल होगा। इसको इस तरह से मॉडिफाई कर लीजिए 12 कैंसिल या मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय टोटल 44 तो इसका आ जाएगा 3.08 डिवाइडेड बाय 44। सो इसका वैल्यू आ जाएगा नीचे में 100 7 से कैंसिल हो जाएगा 0.07 ये मोल आ गए। उसी तरह से बताइए मोल ऑफ हाइड्रोजन तो वाटर का अगर आएगा तो वाटर का मोल 0.72 डिवाइडेड बाय 18
इसका दोगुना हाइड्रोजन है इनटू टू करना, तो कितने आ गए 0.08। सो व्हाट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का मोल अगर 0.07 है, हाइड्रोजन का 0.08 है, ठीक द रेशियो, तो सिंपलेस्ट रेशियो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे और कार्बन और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, कार्बन 7 हाइड्रोजन 8। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ओके। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट अवश्य करें, ओके। थैंक यू वेरी मच।